रेड पड़ चुका है सूरज और बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल सनसेट हो रहा है। देख रहे हो भुट्टा खा रहे हैं, फेवरेट है इनका भुट्टा, इनका भुट्टा फेवरेट है। जैसे ऐसा लग रहा साउथ के एरिया में आ गए आप, देख रहे हो खजूर के पेड़ इतने सारे लगे हुए हैं और ये देखो साउथ की हीरोइन मेरे साथ साथ ये क्या है अंगरा। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और दोस्तों आज ये संडे, हम लोग निकल दिए भाई संडे राइड पे अपनी गाड़ी पे। फर्स्ट टाइम अपनी गाड़ी पे अपन लॉन्ग राइड करने वाले हैं दोस्तों। इंदौर से जामगेट हमने सोचा है, जामगेट पे बढ़िया मस्त फोटो वोटो खिंचवाएंगे, शाम तक पहुँच जाएंगे। तो इंदौर टू जामगेट हम लोग कर रहे हैं संडे के दिन लॉन्ग राइड, और फर्स्ट लॉन्ग राइड होगी ये मेरी गाड़ी पे 50 किलोमीटर के जो ऊपर जो होगी। अभी तक मैंने सिर्फ इंदौर में चलाई है, इंदौर के बाहर में पहली बार जा रहा हूँ। तो अन्नू और हम दोनों जा रहे हैं भाई साथ में, और अपनी गाड़ी से मस्त लॉन्ग राइड करेंगे आज। और अन्नू बताना तुमको कैसा लगेगा एक्सपीरियंस, तुमसे लास्ट में पूछेंगे हम। तो दोस्तों हम लोग निकलते हैं और आपको भी कुछ नज़ारे बताते हुए चलेंगे। इस फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी राइड, देखते हैं कैसा लगता है। वैसे तो इतनी बार बैठ चुकी हूँ कि मुझे अच्छा ही लगता है, बट अभी एक बार और देखते हैं लॉन्ग ड्राइव पे, मज़ा लेते हैं। एक हज़ार का पेट्रोल डलवाया है इसने, तब भी इसमें अभी कहाँ गया, एक डंडा दो डंडा बाकी रह रहा है ना। एक हजार में चार डंडे आए, एक हजार में ये जो डंडे डंडे कर रही है ना, वो दिखती ना अपन को स्टिक्स पेट्रोल वाली, मतलब चार डंडे आए एक हजार में, नहीं चार नहीं पांच डंडे आए, देख लो। देखो गाइस कितने, एक दो तीन चार पाँच, अभी भी दो रह रहे हैं ना। अब जब 1500-1600 में टैंक देखते हैं 1500 का ये कब डलवाता है, जब कर जाऊंगा जब। अच्छा कर जाऊंगा जब डलेगा सब फुल टैंकी। इसके अंदर बाबा साहब के पूरा स्मारक बना हुआ है, हर एक चीज पूरी उनका जन्म से लेकर सब कुछ अंदर पूरा एक एक चीज लिखा हुआ है। देखते हैं लौटते वक्त अगर टाइम मिला तो हम जाएंगे, ठीक है। कारगिल द्वार, वाओ गाइस कितना सही है ये, ये देखिए फ्लैग दिख रहा होगा आपको, इन्फेंट्री द अल्टीमेट है। गाइस हम लोग रुके हमारे फर्स्ट ब्रेक के लिए, और देख रहे हो पीछे मस्त नज़ारा, पेड़ वेड़ बिल्कुल गांव वाली वाइब आ जाती यार बिल्कुल जाम गेट आते हुए। और अगर आप बाइक राइडिंग करते हो तो संडे राइड पे या कभी भी जब भी आपको बाइक से आना हो ना, बाइक से कहीं जाना हो इंदौर के आसपास, तो जाम गेट आओ, क्योंकि यहाँ पे भाई सीनरी और जो देखने का और जो रास्ते हैं ना बिल्कुल मस्त नज़ारे जो आपको देखने को मिलेंगे वो जाम गेट वाले रोड पर ही मिलेंगे दोस्तों। बिल्कुल आप देख सकते हो पेड़ वगैरह मेरे पीछे, और पूरा ऐसा लग रहा साउथ के एरिया में आ गए आप, देख रहे हो खजूर के पेड़ इतने सारे लगे हुए हैं, और ये देखो साउथ की हीरोइन मेरे साथ और अपनी गाड़ी भैया मस्त चल रही, क्या ही पावर है भाई, मज़ा आ रहा है। पावर की वजह से ही मैंने भाई 61-250 ली है, वरना मैं R15 भी अभी जा सकता था लेकिन उसमें इतनी पावर है नहीं, इसमें बढ़िया मस्त पावर है, मज़ा आता है हाईवे पे। और हाँ दोस्तों अगर आप बाइक से आओ ना जाम गेट जाने के लिए, आप अगर आप राइड प्लान कर रहे हो तो बढ़िया है मस्त 55-60 किलोमीटर पड़ेगा, मैं विजयनगर से कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, 55-60 किलोमीटर वन वे टू गो, मतलब 110 मिलेगा, मतलब दोनों साइड का मिला के 100 है, और 110 आप मान सकते हो, वन साइड का 55 या 60 मान लो, तो बढ़िया सुबह निकल जाओ। या तो सबसे बेस्ट टाइम मैं आपको बताऊँ, अगर आप सनराइज़ देखना हो तो आओ सुबह सुबह, या सनसेट देखना है तो शाम को, दोपहर में मत आओ, जैसे हम लोग अभी 4-5 बज रहे अभी शाम को जाके पहुँचेंगे तो सनसेट बढ़िया मस्त सा सनसेट देखेंगे हम लोग, और मज़ा आया। कैसा लग रहा तुम्हें पीछे बैठ के? अरे मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, हर बार स्कूटी और पता नहीं कौन कौन सी बाइक में, इस बाइक का अलग ही मज़ा है। अच्छा ले लिया तुमने, मैं सोची थी और डिले करते, पर अच्छा है।
और दिलीप कैसा लग रहा है तुम्हें बैठकर बाइक में? काफी ज्यादा मजा आ रहा है भाई, और काफी पावरफुल बाइक है अपनी, इसलिए मैंने इसको चूज किया था। तो इसका पावर का आइडिया हाईवे पे जाके लगता है, और काफी सेटिस्फाइड हूँ मैं बाइक के साथ, क्योंकि इसका पोस्चर और पावर भी अच्छी खासी है, इसलिए मैंने इसको चूज करा था। मतलब मैं R15 लेने वाला था, लेकिन थैंक गॉड वो मैंने ले ली R15 150 है या 250 है, तो इसका पावर एक अलग लेवल का है और मज़ा आता है। आपको हाईवे पे फील होती है पावर, समझ रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। और एक चीज, लास्ट टाइम जब आए थे तो यही सोच के आए थे ना कि पता नहीं अपनी बाइक से कब आएंगे। मैं इतनी सब जगह में काफ़ी लंबी राइड कर चुका हूँ, लेकिन हर बार या तो रेंट की गाड़ी होती थी या कोई दोस्त वगैरह की होती थी, लेकिन अब खुद की गाड़ी से घूमने का एक अलग ही फ्रीडम, मज़ा है। मतलब कभी लेट सेट हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है। पहले से रहता था कि रेंट की गाड़ी है तो टाइम पे जाके मुझे वापस देनी है गाड़ी, लेकिन अब ऐसा कोई इशू नहीं। ग्लव्स दिखाओ तुम्हारे, ये गाड़ी से मैच नहीं कर रहे, मतलब मैच नहीं कर रहे। ये इस वाले कलर का मुझे मिला नहीं यार गोल्डन, तो क्या करो, अब जो मिला वही सही। ठीक है, वैसे बाइक तुम पे काफी सूट हो रही है। थैंक यू। हाँ, मैंने अभी नोटिस किया, अभी सही लग रहे हो तुम इस बाइक के साथ। ये क्या है, बंद करो। तो गाइस फाइनली हम लोग जामगढ़ पहुंच गए हैं। ये हमारे पीछे आप देख सकते हो जाम गेट, और अन्नु के दोस्त देख रहे हो भुट्टा खा रहे हैं, फेवरेट है इनका भुट्टा, अन्नू का भुट्टा फेवरेट है जैसे। और देखो नज़ारा भाई, अभी ठंड का टाइम है ना तो धुंधला धुंधला हो रहा है पूरा, तुम गिर मत जाना इसमें से नीचे। देखो गाइस, वो भाई लोगों को डर भी नहीं लगता उसके ऊपर बैठे हुए वहाँ पे। इसके ऊपर बैठे, देखो गाइस सूरज निकल रहा है अभी तो। फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 4 बजे, हम लोग पहुंच गए दोस्तों, और पूरा वाइट वाइट धुंधला हो रहा है। देखो अभी कोहरा की वजह से, देख लो नीचे वहां पे तालाब भी है दोस्तों जी, हमारे अन्नू मैडम। रहने दो, उस रेलिंग क्रॉस मत करना, तुम हीरो मत बन जाता। पीछे जो ये वाला जो रूट जा रहा है दोस्तों जाम गेट होते हुए, ये महेश्वर के लिए भी जा रहा है पूरा। देख रहे हो आप वो नीचे तक गाड़ी है, अगर आपको दिख रहा हो तो शायद से। ये रोड है पूरा, ये देख रहे हो आप, ये रोड होके पूरा महेश्वर जा रहा है दोस्तों। तो हम लोग भी एक दिन प्लान करते हैं महेश्वर जाने का। अगर आपको जाम गेट का एक डिटेल वाला पूरा व्लॉग देखना है दोस्तों, तो मैं एंड स्क्रीन पे जाम गेट वाला व्लॉग लगा दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हो। मैं इससे पहले भी कई बार जाम गेट आ चुका हूँ, और उसके ऊपर मैं व्लॉग भी बना चुका हूँ एक पर्टिकुलरली, तो वो लोग आप चेकआउट कर लेना। बाकी आज तो हम ऐसे संडे राइड के हिसाब से आए थे। हाँ तो गाइस अभी हमको लग गई है भूख भाई, पेट पूजा का टाइम हो गया, और संडे राइड पे यार कुछ अच्छा सा खाने का मन हो रहा था, तो अन्नु बढ़िया क्या लेके आई हो, ये खा रही है दोस्तों। देखो अपे लेके आई है ना, दिखाओ टिफिन। अपे लेकर आई हूँ लेकिन ठंडे हो गए यार। ठंडे हो गए कोई बात नहीं, देखो अपे और सॉस स्प्राइट भी है, पानी भी है, सब कुछ है, तो बढ़िया मस्त। अभी हम लोग खाएंगे अप्पे वगैरह यहाँ पे, और सामने का व्यू देखो आप, व्यू एंजॉय करते हुए अप्पे खाएंगे दोस्तों मस्त, इतना ऊंचाई पे हम लोग। चलो गाइस हम लोग खाते हैं अप्पे और व्यू एंजॉय करते हैं, और आप लोग एंजॉय करो टाइम लैप्स, ठीक है। क्या नज़ारा है गाइस, देख रहे हो आप लोग पब्लिक कितनी सारी आ गई अभी शाम को, और जाम गेट कितना सही दिख रहा है अभी। गाइस पूरा रेड पड़ चुका है सूरज, और बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल सनसेट हो रहा है। गाइस धीरे धीरे बिल्कुल सूरज गायब होता जाए, थोड़ा सा और बचा है गायब, जीरो गायब, देखो गायब हो गया। फाइनली हमने अपनी लाइफ का फर्स्ट सनसेट देखा दोस्तों, मैं भी फर्स्ट टाइम बिल्कुल डाउन जाते हुए देखा हूँ, तो फाइनली पूरा सनसेट हो चुका है, और हम लोग निकलेंगे दोस्तों, क्योंकि अब ठंड बढ़ती जा रही है,
स्वेटर वेटर तान लेते हैं। हम लोग ने वुलन कपड़े पहन लिए, स्वेटर वगैरह अनुई पूरा पैक हो गई है। तो शाम हो चुकी है, अब ठंड बढ़ गई है यहाँ पे, तो हम लोग इंदौर पहुँच के आपसे मिलेंगे। हाँ तो गाइस, आई होप आप सबको व्लॉग अच्छा लगा होगा दोस्तों, मज़ा आया होगा। और संडे राइड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रही हमारी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अनु तुम्हें मज़ा आया? मतलब मज़ा आ, सच में यार आज काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया हमने। और संडे राइड, पहली संडे राइड थी अपनी बाइक पे, तो काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी साथ दिया अपनी गाड़ी ने भी। अरे यार ठीक है, अपनी गाड़ी ने भी भाई काफ़ी बढ़िया मस्त साथ दिया। और एक अच्छा सा नाम सजेस्ट करो यार आप लोग अपनी गाड़ी के लिए। बाकी मैंने तो सोच के रखा ये दोस्तों के क्या नाम रखना है। जल्दी ही GoPro GoPro पूरा सेट करेंगे अपन हेलमेट पे, फिर और ज़्यादा मज़ा आएगा व्लॉग्स बनाने में। वाला व्लॉग आपको थोड़ा भी अच्छा लगा दोस्तों तो इसको लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, बाय बाय।